IDTV presents तेलंगाना में निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संस्थापक अध्यक्ष पीआर सोमानी ने 16 सितंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इससे दवा और मेडिकल उपकरणों की कीमतें 90% तक कम हो जाएंगी, लेकिन दवा निर्माताओं के दवा की बिक्री के दामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे होलसेल और रिटेलर को भी अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इससे 130 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। महंगे इलाज से हुई आर्थिक तंगी से लोग बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आजकल दवाओं और इलाज का खर्च खाने पीने के खर्च से ज्यादा हो गया है। पीआर सोमानी ने डीआईडी न्यूज से क्या कहा, आप खुद सुने। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेडिकल पर ट्रेड मार्जिन कैप लगाने के लिए बुलाई गई है, आज के 6 महीने पहले इसी जगह पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक साल से मेडिसिन के ऊपर ट्रेड मार्जिन कैप लगाने के लिए मैं कार्यरत हूँ और उसके फलस्वरूप गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिए और कैंसर के ड्रग्स पर ट्रेड मार्जिन कैप लगा दी है और ट्रेड मार्जिन कैप लगाने की वजह से मेडिसिन के जो कैंसर के ड्रग्स है वो 87% तक सस्ते हो गए। उसका लाभ सभी पेशेंट्स को हो रहा है। मगर इसमें मैन्युफैक्चरर का लॉस नहीं हुआ है, ना ही होलसेलर का लॉस हुआ है, ना ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ है। मगर एक छोटी सी ट्रेड मार्जिन कैप लाने से पब्लिक को 90% का फायदा हो गया है और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि आपने कैंसर भी किया है उसी प्रकार सभी दवाइयों पर, सभी लाइफ सेविंग ड्रग्स पर, सभी डिवाइसेस पर आप ट्रेड मार्जिन कैप लगा दो। आपका रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर का लॉस नहीं होगा और पब्लिक को 90% सस्ती दवाई मिलेगी। आज के तारीख में जो घर में राशन आता है, राशन से कई गुना ज़्यादा खर्च मेडिकल का हो गया और मेडिसिन के खर्च के वजह से जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो सर्विस क्लास है, वो सफ़र हो रहे हैं और उनके घर दार सभी बर्बाद हो रहे हैं और उन्हों गोल्ड ज्वेलरी इवन मंगलसूत्र गिरवी रख के दवाई के माध्यम से पैसे ला रहे और दवाई के लिए खर्च कर रहे हैं। अगर वो ट्रेड मार्जिन कैप आता है, जिसके घर में 8,000 की दवाई आती है उसको आगे चलकर वो 500,000 रुपये में दवाई मिलेगी, उसका सेविंग होगा और गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मोदी जी बहुत पॉजिटिव है और मोदी जी है तो मुमकिन है, ये जो कहावत है वो बिल्कुल सही है। उनके वजह से कैंसर ड्रग्स पे उन्होंने एक्शन लिया है और वही हम चाहते हैं कि इस पर भी जल्द से जल्द एक्शन लें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत प्लास्टिक रोधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इसके तहत प्लास्टिक कचरा जमा करना, प्लास्टिक को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, स्कूली बच्चों द्वारा रैलियां व अन्य गतिविधियां आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने एक अहम टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मिलने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद कश्मीर जाऊंगा। ड्रोन हमले के बाद हुए नुकसान के चलते पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज कहा कि सऊदी अरामको के अधिकारियों ने भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को सूचित किया है कि उनके लिए आपूर्ति में किसी तरह की भी कमी नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त अपनी 6 महीनों की कैद की सजा के खिलाफ आज दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। यहां अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की और उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की सुरक्षा स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश की सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के शासनादेश पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग टीम विधानसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा के लिए मंगलवार को महाराष्ट्र पहुंचेगी। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। अयोध्या केस की सुनवाई के सीधे प्रसारण की मांग वाली संघ विचारक के एन गोविंदाचार्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर पूछा है कि सुनवाई के सीधे प्रसारण की व्यवस्था में कितना वक्त लगेगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को अब तिहाड़ जेल में ही अपना 74वां जन्मदिन मनाना पड़ेगा। गोदावरी नाव हादसे में प्रशासन ने 8 नाव और 2 हेलीकॉप्टरों के साथ आज सुबह 5:45 से रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक 13 शवों को नदी से बाहर निकाला गया है। ये है डीआईडी में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।